नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। आइए आज हम सभी सेम खाने के फायदे जानेंगे जो कि बेहद लाभकारी होता है हम सभी के लिए। सेम एक लता है, इसमें फलियाँ लगती हैं, फलियों की सब्जी खाई जाती है। इसकी पत्तियाँ चारे के रूप में प्रयोग की जा सकती हैं। लसोसी नामक त्वचा रोग सेम की पत्तियों को संक्रमित स्थान पर रगड़ने मात्र से ठीक हो जाता है। सेम संसार के प्रायः सभी भागों में उगाई जाती है। इसकी अनेक जातियां होती हैं और उसी के अनुसार फलियां भी विभिन्न प्रकार की लंबी, चिपटी और कुछ टेढ़ी तथा सफ़ेद, हरी, पीली इत्यादि रंगों की होती हैं। इसकी फलियां शाक सब्जी के रूप में खाई जाती हैं, स्वादिष्ट और पुष्टकर होती हैं इसकी फलियां। यद्यपि यह उतनी सुपाच्य नहीं होती है, वैद्यक में सेम मधुर, शीतल, भारी, बलकारी, वातकारक, दाहजनक, दीपन तथा पित्त और कफ का नाश करने वाली कही गई है। इसके बीज भी शाक के रूप में खाए जाते हैं। इसकी दाल भी होती है। बीज में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रहती है, इसी कारण इसमें पौष्टिकता आ जाती है। सेम में विटामिन B6, थायमिन, पेंथोथेनिक एसिड और नियासिन पाया जाता है। ये सभी तत्व शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा सेम में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो खून को साफ करने का काम करते हैं। खून साफ करने से त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार सेम में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। सेम खाने से एनर्जी लेवल भी बेहतर बना रहता है और इससे आयरन की कमी भी नहीं होती है। महिलाओं को खास तौर पर सेम खाने की सलाह दी जाती है, खास तौर पर उन औरतों को जिन्हें अनियमित पीरियड्स की शिकायत होती है। आइए आज हम सभी कुछ एक और फ़ायदों के बारे में जानते हैं सेम खाने के। सेम खाने से एनर्जी मिलती है। इसके अलावा अगर आप दुबलेपन से परेशान हैं तो भी सेम खाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी सेम का सेवन आप कर सकते हैं। खून साफ करने में ये मददगार होता है। सामान्य बुखार हो जाने पर सेम की पत्तियों का रस पीना फायदेमंद होता है। कीड़े मकोड़े काट लें तो भी सेम की पत्तियों का रस लगाना फायदेमंद होता है। कब्ज की समस्या में राहत के लिए भी आप सेम को यूज कर सकते हैं। यूं तो ये जितने भी हमने घरेलू उपाय बताए हैं और इनसे किसी तरह का नुकसान होने का खतरा नहीं होता है, लेकिन बेहतर होगा कि कोई भी उपाय अपनाने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह परामर्श जरूर ले लें, ताकि अगर मान लीजिए शरीर में आपके कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें कि सेम खाना फ़ायदेमंद न हो आपके लिए, तो वो लॉस आपको ना हो। इसलिए डॉक्टर की सलाह तो ले ही लेनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई भी खतरनाक बीमारी या कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप इजीली सेम का यूज कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी साबित होगी। हाँ, अगर आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तब आपको डॉक्टर के परामर्श के अकॉर्डिंग ही कोई भी चीज़ खानी पीनी चाहिए। ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। हम अगली बार आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।